जय जोहर संगवारी हो। आज हमन बात करने जा रहा है हमारे ग्राम कुंडेल की शमशान घाट की जो एरिया है वो देखिए कितना हरा भरा प्रकृति से सजा हुआ है और प्रकृति का जो छटा बिखेरा हुआ है उसके बारे में आज हम लोग आप लोगों को दिखाने जा रहा है। यहाँ पे तालाब बना हुआ है, कम से कम 2-2.5 एकड़ ज़मीन पर बहुत बड़ा तालाब है और उसके आसपास कितना सुंदर सुंदर जो बड़ा बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है वो देखते ही बनता है। और इधर के किनारे में नदी है जिसको सरगी नदी के नाम से जाना जाता है और सरगी नदी बहुत प्राचीन नदी है, प्राचीन काल का नदी है। इसको श्रृंगी ऋषि आश्रम से निकला हुआ नदी है और इसको पहले श्रृंगी नदी के नाम से जाना जाता था, बाद में धीरे धीरे जैसा ही परिवर्तन होता गया इसका नाम को बदलते बदलते आज इसको सरगी नदी कुंडेल के नाम से जाना पहचाना जाता है। इधर से देख सकते हैं इधर भी प्रकृति के दृश्य जो है अनुपम और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। वहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष लगा हुआ है, बाग लगा हुआ है, जाम का बाग लगा हुआ है जिसको हिंदी में अमृत कहा जाता है। और यहीं पे आसपास पे मुक्ति धाम केंद्र कुंडेल है जहाँ पे आदमी का जो स्वर्गवास हो जाने के बाद यहीं पे जलाया जाता है। और इसी के आसपास हम लोग पिछले समय वृक्षारोपण किए थे, वो भी पौधा हुआ है, वो सक्सेस हो रहा है। देखते हैं बहुत ही सुंदर एवं अनुपम दृश्य का छटा बिखेरा हुआ ग्राम कुंडेल हरा भरा चारों दिशाओं में दिख रहा है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे देख सकते हो ये पेड़ पौधा है और यहाँ पे और बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है और बरसात के समय में और बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे गांव के दृश्य है वो दिखाई देता है, हरा भरा दिखाई देता है चारों दिशाओं में, बहुत ही सुंदर सुंदर से बना हुआ है ये। और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद एवं बधाइयाँ। हम लोग हमारे यूट्यूब चेतन सिन्हा और देवलाल चक्रधारी में आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय हिंद।